मेरी बचपन की एक फ्रेंड थी, वो भैया के क्लासमेट थे लेकिन फ्रेंड वो मेरी थी। उनकी फैमिली साथ हमारे फैमिली का मतलब खूब क्लोज रिश्ता था। एक दिन क्या हुआ, हम सब लोग मंदिर से आ रहे थे, सारे फ्रेंड, चार पांच फ्रेंड ऐसे मंदिर से आ रहे थे। वो जब उनके घर के आगे हो गया, वो मेरी फ्रेंड आई, सारे फ्रेंड को मेरे हाथ से छुड़ा के उनके घर को लेके गई, बोला हमारे घर चलो। उस दिन उसके भाई का बर्थडे था। हर साल वो हमको भी बुलाता था, सबको बुलाता था, उस साल हमें नहीं बुलाया। इसलिए नहीं बुलाया, कसूर हमारा इतना था, मेरी मम्मी जो थी वो 700-800 रुपये ऐसे लिए थे उधर उसकी मम्मी से। उसके पापा के पास जॉब था, इसलिए उनको पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमारे पास तो जॉब था, कुछ नहीं था, उनको बहुत दिक्कत हो रहा था। तो हमारे भैया शायद ग्रेजुएशन कर रहे थे, वो बोले हमको एक वॉच चाहिए, सारे बच्चे जब एग्जाम देते हैं वो टाइम मेंटेन करके लिखते हैं, हमको कुछ मालूम नहीं पड़ता, हमारे पास वॉच भी नहीं है, हमको एक वॉच चाहिए। तो मैक्सिमम वॉच 350 में शायद मिलता था, 350 या 250 रुपये में। वो बोले हमको एक वॉच चाहिए और एग्जाम आ रहे हैं, हमको पॉसिबल चाहिए। उसके लिए मेरे मम्मी ने उनके मम्मी से पैसे लिए थे उधार में। वो एक साल हो गया था, वो पैसा वो चुका नहीं पा रहे थे मेरी मम्मी। वो बार बार बेइज्जत कर रहे थे उनका मम्मी, उनके घर वाले। लेकिन मम्मी बोले हम दे देंगे ऐसे बोल रहे थे। वो कुछ कुछ पैसा करके दे रहे थे, मतलब गांव वाले जो आते थे, हमारे पास तो कोई इनकम नहीं था, गांव वाले आते थे, हमारे बाग में था ड्रमस्टिक, वो साग, लेमन, वो बड़ा वाला ऑरेंज और दूसरे टाइप का लेमन, मैंगो, जैकफ्रूट, ऐसे कोई घर पर आता था हमको ये चाहिए, कोई 50 पैसा देता था, 1 रुपये 2 रुपये ऐसे देता था। तो मेरे मम्मी 50 रुपये के 20 रुपये के सामान दे देती थी, मतलब ऐसे खुश होंगे तो लोग दोबारा आएंगे। लेकिन वो इतने सारा सामान, एक दिन का सामान 1 महीने के लिए मिल जाएगा, फ्री में तो वो क्यों आएंगे। यही पैसा वो ऐसे ऐसे करके वो पैसा हमको चुका रहे थे। लेकिन वो गुस्सा हो रहे थे, हमको एक बार में पैसा चाहिए, हमारे पास तो पॉसिबल नहीं था, मतलब एक बार हम किधर से लाएंगे इतना पैसा। तो मम्मी बस हाथ पैर जोड़ रही थी, हम दे देंगे, हम पैसा खा के नहीं जाएंगे, हमको थोड़ा मुश्किल है, आपको पता है सब कुछ, आपके पास ज़्यादा पैसा है, हमारे पास तो कुछ नहीं है, हम दे देंगे, इतना भरोसा तो है ना, फैमिली के साथ इतना अच्छा रिश्ता है। वो इसके लिए वो हमको वो नहीं बोला है। वो जो हमारे हाथ से छुड़ा के वो लेके गए, उनके घर से वो 2 फीट का है। सारे फ्रेंड मुझे देखने लगे, मतलब हर साल इसको बुलाते थे, क्या हो गया इसको, क्यों नहीं बुला रहे, मुझे ऐसे देखने लगे, मेरी आंखों से आंसू आ रहे थे। मैंने कंट्रोल कर लिया, कोई बात नहीं, तुम लोग जाओ, मेरे घर तो आ गया, और 10 फीट के बाद मेरा घर है, मैं जा रही हूँ, तुम लोग जाओ। वो फ्रेंड बोले तुम नहीं आओगे, मतलब जिसका भाई का बर्थडे था वो नहीं, वो दूसरे फ्रेंड ने बोला। मैं बोली नहीं नहीं मुझे थोड़ा काम है, तुम लोग जाओ, मुझे काम है, ऐसे बोल के मैं आ गई। हमारे घर के बाहर से मेरी मम्मी खड़े होकर देख रही थी। मैं जब ऐसे ऊपर आई, स्टेप के ऊपर चढ़ रही थी, मेरी मम्मी बोली क्या हुआ, मैंने पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैं बोली छोड़ो कोई बात नहीं, ऐसे करके मैं घर के अंदर चली गई, मुझे जाना भी नहीं है, ऐसे करके मैं घर के अंदर चली गई। वो मुझे दुख इसलिए था, इसलिए नहीं था कि मतलब मुझे खाने के लिए इंटरेस्ट था, तब तो केक वगैरह नहीं करते थे, मतलब जब वो बर्थडे होता था तो सत्यनारायण का पूजा करते थे, बस प्रसाद खिलाने के लिए वो बुलाते थे, मतलब खाने के लिए मतलब वो मैटर नहीं है, सब लोग साथ में जाते थे आते थे, कोई खुशियाँ मतलब मैटर करती थी। तो सारे घर वाले उसके बाद इग्नोर करने लगे, मुझे बातें करना बंद कर लिए, दूरियाँ बना लेते, बहुत तकलीफ हो रहा था, क्योंकि फूल गाँव में हम उनके फैमिली से ज़्यादा मतलब आकर डरते, ज़्यादा क्लोज थे। वो ऐसे मतलब छोड़ा ना कि ऐसे रिश्ता बंद कर लिया, तो हमको बहुत मुश्किल हो रहा था सारे लोग को। लेकिन कोई मतलब चारा नहीं था, क्योंकि हमारे पास रिटर्न करने के लिए पैसे नहीं थे। मैं ये तो बात कहना चाहती हूँ, जिनको आपकी मतलब दुख से, तकलीफ से, आपकी लाचारी, मजबूरी से, आपकी गरीबी से जिनको प्रॉब्लम है ना, जिस खास लोगों को, उन लोगों से आपको मतलब दूरियां बनाकर रखना चाहिए। उस दिन से वो उससे पहले हमको बहुत हेल्प की थी, मुझे उस दिन पता नहीं क्यों लगा दिल से आवाज आया कि हमको और आगे ये रिश्ता में मतलब आगे बढ़ना नहीं चाहिए, जाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो हम उनके बराबर में नहीं है, वो आज दिखा दिया, हम अकेले ही ठीक है, चाहे अपना हो और पराया, अपना हो या पराया,
जिन लोग को आपकी मजबूरी से, आपकी लाचारी से जिनको प्रॉब्लम है ना, ऐसे रिश्ते को ना हमेशा के लिए बाय करना चाहिए।